नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस YouTube चैनल लॉन्च इन्फो में दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट सहारा के द्वारा जितनी भी कंपनियों का संचालन किया जाता है हमारे देश में, जो निवेशक हैं और जिन्होंने करोड़ों रुपए की राशि निवेश की गई है, बहुत साल बीत चुके हैं लेकिन उम्मीदवारों को उनकी राशि अभी तक नहीं मिल पाई है। बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं उनको अपनी राशि का अभी भी उम्मीद है क्योंकि उनकी राशि मिल पाएगी। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिनका सेबी ने 2018 में बहुत सारे इन्वेस्टर्स का, सारे इंडिया परिवार के इन्वेस्टर्स का पैसा उनको रिटर्न किया था, जिनके पास ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट थे और जिन लोगों ने सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में आवेदन किया था और जिनके पास खुद भारत में अकाउंट, भारत के बैंक में अकाउंट था और उनके पास आइडेंटिफिकेशन को देखते हुए उनको रिफंड भी किया गया था। 138 रुपये रिफंड, मतलब जो ये करोड़ों की बात चली है, 138 करोड़ रिफंड किए थे सेबी ने। और बात करें कि मैं आपको बता दूं कि ये भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी है, ठीक है। सारा के ने यहाँ पे आरोप भी लगाया था कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के द्वारा दो अकाउंट बनाए गए हैं जिसके माध्यम से सारा का पैसा है वह रिफंड की जाने वाली राशियों के अकाउंट में इकट्ठा किया जा रहा है और इन अकाउंट में कुछ रुपये 24,000 करोड़ रुपए की राशि हो चुकी है। सारा इंडिया में अगर बात करते हैं तो 24,000 करोड़ रुपए की राशि हो चुकी है। हाई कोर्ट के द्वारा निर्देश दिए गए थे, सारा इंडिया ने जो भी निवेश की गई राशि है वो निवेशकों को 3 करोड़ रुपए रिफंड करने पर के वादा किया गया था। सहारा इंडिया उम्मीदवारों के लिए उच्च न्यायालय कोर्ट के सन 2012 में सहारा ग्रुप की दो कंपनियों को यहां पर लिया गया था। मिलते हैं नए विषय पर जानकारी, तब तक जय हिंद।